गाइस वेलकम बैक टू रश्मि किचन। रश्मि किचन में आज हम चल रहे हैं देखिए मसूर की दाल की खिचड़ी बनाने। ये देखिए हमने भिगा के मसूर की दाल और चावल रख लिया है, और ये देखिए हमने तेल लिया है, हल्दी लिया है ये देखिए हमने, और ये स्वाद अनुसार नमक है, थोड़ा सा ये देखिए हमने थोड़ा सा गर्म मसाला लिया है, और थोड़ा सा हमने लिया है लाल मिर्च पाउडर, दो तेज पत्ते लिए हैं, और देखिए ये प्याज काटे हुए लिए हैं, चार कली लहसुन के लिए हुए हैं, और थोड़ा सा साबुत जो है सूखा मिर्चा है, और थोड़ा सा ये देखिए जीरा हमने लिया है, और गरम मसाला लिया थोड़ा सा। अब मैं देखिए आगे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए मेरा कुकर हो गया, मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी, प्याज हो जाए तो उसके बाद मैं इसमें आपको गरम मसाला ऐड कर। सो गाइस देखिए प्याज हो गया है लाल लाल, ये देखिए अब मैं इसमें डालूंगी चावल। अब मैं इसमें डालूंगी गाइस देखिए गरम मसाला डाल रही हूँ, और थोड़ा सा मिर्चा डाल रही हूँ, देखिए मिर्चा डाल, जीरा भी तड़कने लगा है, जीरा भी हो गया है देखिए। अब मैं इसमें थोड़ी सी ऐड करूंगी हींग, तो गाइस देखिए थोड़ा सा मैं इसमें हींग डाल रही हूँ, हींग हो जा रही है। अब मैं इसमें चावल डाल रही हूँ, ये देखिए भिगा के चावल हमने रखा था, ये बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, जो बच्चे खाना नहीं बना पाते हैं उनके लिए है। आप चाहिए तो देसी घी बना सकते हैं, मैं तो इसको कड़ू तेल में बनाई, कड़ू तेल में थोड़ा सूंधापन आ जाता है, इसलिए हमने इसको कड़ू तेल में बनाया है। ये हो गया, अब मैं इसमें गाइस मैं थोड़ा सा हल्दी डालूंगी, ये देखिए थोड़ा सा हल्दी डाल रही हूँ, और थोड़ा सा हमने गरम मसाला डाल दिया, थोड़ा सा मिर्चा डाल दिया, और थोड़ा सा ये नमक डाल दिया, ये सॉरी मैं तेज़पत्ता भूल गई थी, मैं डाल रही हूँ। ये देखिए खुशबू अच्छी आने लगी है, ये भुन गया। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, ये देखिए मैं पानी ऐड करके आपको आगे दिखा रही हूँ, ये देखिए अच्छे से भुन गया, मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो गाइस देखिए अब इसमें पानी डाल दिया, अब मैं सीटी इसको लगा के फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए पानी हमने इसमें लगा दिया, अंदाज से लगा दिया। अब मैं इसमें अभी आपको सीटी लगा के दिखा रही हूँ, ये हो गया। अब मैं इसको खोल के आपको दिखा रही हूँ। सो गाइस ये देखिए आपको ये छोटी सी रेसिपी कैसे लगी बताइएगा। ये देखिए खूब अच्छे से हो गई है सूखी सूखी, ये देखिए खिचड़ी। ये देखिए आपको ये कैसी छोटी सी रेसिपी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब दोनों करिएगा। ये देखिए आपको ये छोटी सी रेसिपी कैसी लगी, और मेरा चैनल आगे बढ़ाइए, मैं नई नई वीडियो के साथ मिलती रहूँगी, नई नई वीडियो के साथ मैं आती रहूँगी। और ये हॉस्टल वाले बच्चे जो हैं ये झटपट बना के खाते हैं, रेसिपी बहुत अच्छी है, इसको आप दही खाइए गर्मा गर्म, और मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब दोनों करिएगा, और मेरा चैनल आगे बढ़ाइए। ये देखिए अच्छे से खूब हो गई है, खुशबू खूब आ रही है, आप लोग खाइए और मेरा चैनल आगे बढ़ाइए। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मेरा फॉलो करिए। तब तक के लिए बाय बाय।